तो हमारा 9 चैप्टर ज्योग्राफी का कौन सा है? इंडस्ट्री एंड देयर डेवलपमेंट। इंडस्ट्री से मतलब आप लोग सब लोग समझते हैं औद्योग और उसका विकास। अब औद्योगों का विकास क्यों होना चाहिए है ना, किसी भी देश के इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो भी प्रगति है उसके लिए हमारे यहाँ पर एक तो जो हमारे मेन रूप से हम लोग जो अभी चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडिया के बारे में। आपको इंडिया का फिजिकल फॉर्म सबको मालूम है, यानी कि जिस तरह से फिजिकल फॉर्म है उस तरह से उसकी विशेषताएं भी हैं। सब अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखते हैं कि किस तरह से हमारा देश एग्रीकल्चर के वजह से भी काफी आगे है और इंडस्ट्री के वजह से भी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, कच्चा, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेट्यूज है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, जहाँ पर हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं यानी कि मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से और जो किसके लिए आवश्यक है, इंडस्ट्रीज के लिए। तो सबसे पहले हम जो मेन रूप से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना। और इसी में सबसे पहले जो नाम आता है कंपनी जिसकी जो एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी, वो कौन सी कंपनी थी? द टाटा एंड स्टील कंपनी। जो किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने की थी। और जहाँ पे की थी वहाँ उसके उनके वजह से ही, उनके विकास के वजह से ही, उनके लगाने उस कंपनी के लगाने के वजह से ही उस जगह का नाम क्या रखा गया था? जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? टिस्को कहते हैं। अब ये और जो थी वो कौन सी थी? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक का मतलब समझ में आ गया। जब सरकार पब्लिक के लिए कोई कार्य करती है तो उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से कोई कंपनी लगा रहा है या किसी चीज को स्थापित कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट कहते हैं। अब सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट मस्ट हैव इनकरेज जमशेद जी टाटा टू सेट अप द आयरन एंड स्टील प्लांट हियर आर डिस्क्राइब अहेड। अब इसमें कुछ मेजर फैक्टर्स थे है ना, मुख्य कारण थे। अब यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने क्यों इंडस्ट्री लगाई थी है ना, तो उसके कुछ फैक्टर्स थे, उसके कुछ कारण थे जिसके वजह से ही उन्होंने यहाँ पर टाटा स्टील इंडस्ट्री का कोई स्थापित किया, एस्टेब्लिश की। और उसका जो था मतलब मोन जो उनका मोटो था वो क्या था, किसके वजह से लगाई थी? जमशेदपुर हैज एन आइडियल लोकेशन। आइडियल लोकेशन से मतलब है कि ये उपयोग जगह थी विशेष प्रकार से इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से मतलब क्या है? यातायात के साधन बहुत आसानी से वहां पर उपलब्ध थे, जिससे कि वो माल वहां पर लाया जा सकता था और वहां से क्या किया जाता था? बाहर भेजा जा सकता था है ना। इट इज आल्सो वेल कनेक्टेड बाय रोड्स टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो जगह थी वो अधिकतर पूरे देश में हर जगह क्या थी? इंटरकनेक्ट बाय रोड, रोड से कनेक्ट थी, यानी कि रोड के द्वारा आराम से कुछ भी सामान वहां से लाया जा सकता था और पहुंचाया जा सकता था। दिस मेक्स इट इजी टू ब्रिंग इन रॉ मटेरियल एंड डिस्पैच फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्विकली एंड इकोनॉमिकली। आगे यू की लाइन समझ में, मैं बता चुकी हूँ कि ये आराम से रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? कच्चा माल है ना। अब ये सारे जो चीजें बनती हैं वो किससे बनती है? कच्चे माल से बनती है। स्टील आयरन से ही क्या बनती है? आगे जाके उसको हम लोग डेवलप करते हैं तभी वो स्टील बनती है, आयरन से। जो कच्चा माल आराम से लाया जा सकता था और जो माल बनने के बाद में उसको आराम से हम भेज सकते थे। द पोर्ट इन कोलकाता टू फैसिलिटीज एक्सपोर्ट। इसके अलावा इसके पास में जो पोर्ट पड़ता था वो कौन सा था? कोलकाता का, जहाँ से कि क्या किया जा सकता था? एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आप लोग को मालूम है, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? बाहर जब हम किसी सामान को भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट किसे कहते हैं? जब हम बाहर से किसी सामान को बुलाते हैं, मंगाते हैं, तो आयात और निर्यात। अब दूसरा फैक्टर क्या था? रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट आर फाउंड विद इन अ स्मॉल रेडियस इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। आयरन ओर फ्रॉम मयूरभंज एंड केदून केंदूर झागर इन उड़ीसा एंड सिंहभूम इन झारखंड। कुकिंग कोल फ्रॉम रानीगंज एंड झरिया कोल फील्ड इन वेस्ट बंगाल। लाइम स्टोन फ्रॉम गंगापुर इन उड़ीसा एंड मैंगनीज फ्रॉम केदूर झारखंड। टिस्को ओन्स एंड ऑपरेट्स मोस्ट ऑफ इट्स माइंस। अब
ये सारी चीजें थी, कोयला भी जरूरत था, आयरन की भी आवश्यकता थी, तो ये सारी चीजें कहाँ थी, इसके आसपास लाइम स्टोन की भी आवश्यकता थी, तो ये इस एरिया के क्या पड़ते थे, आसपास ही पड़ते थे, इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों को क्या मिल गया था, रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध था। फिर टिस्को हैज इट ओन कोल फायर थर्मल प्लांट्स, इसके अलावा टिस्को का अपना खुद का क्या था, कोल फायर, कोयला आपको समझते हैं है ना, तो कोयले से ही अधिकतर ये जो चीजें थी। अब जिस भी मिनरल्स को हम किसी रूप में ढालते हैं तो उसको पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, है ना, और उसके बाद ही वो क्या आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर आप उससे कुछ भी चीजें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसको गर्म करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती थी, कोयले की, है ना, किससे आप किससे जलाएंगे, कोयले से। तो कोयला भी रानीगंज में क्या मिल जाता था, आसानी से उपलब्ध था। तो इनका खुद का थर्मल प्लांट था, है ना, यानी कि खुद वो उसमें क्या कर सकते थे, जैसे बोलते हैं ना भट्टी वगैरह होती हैं, इसी तरह से इनका खुद का थर्मल प्लांट था, और थर्मो इलेक्ट्रिक भी था, प्लांट भी था, यानी कि जिससे कोयले से जलाते हैं वो भी था, और जो इलेक्ट्रिक से जो जिससे हम पिघला सकते हैं मिनरल्स को, वो दोनों ही प्लांट इसको के पास में अपने खुद के थे। बिसाइड द दामोदर वैली कॉरपोरेशन अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आल्सो सप्लाइज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर टू द प्लांट। इसके अलावा यहाँ पर पास में इसके कौन सी थी, दादर वैली, है ना, तो सॉरी दामोदर वैली कॉरपोरेशन था, जिससे कि क्या बनते हैं डैम वगैरह से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, पानी से, है ना, बांध बना के डैम बना के जो एकदम से बनाई जाती है, तो वो प्लांट भी इसके आसपास ही था, जिससे कि इनको क्या मिल जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती थी, है ना, बिजली भी आराम से उपलब्ध थी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, है ना, यहाँ पर इसको किसकी आवश्यकता थी, लेबर की भी, है ना, मजदूरी की भी, मजदूरों की भी थी, ड्यू टू देयर डेंस पॉपुलेशन, अब यहाँ पर जनसंख्या भी क्या थी, बहुत अधिक थी, और इसीलिए द नेबरिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कैन प्रोवाइड ऑल द लेबर रिक्वायर्ड, और इसी वेस्ट बंगाल और इसके जो नेबर स्टेट थे, यानी कि जो पड़ोसी राज्य थे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, वहाँ से आसानी से क्या मिल जाती थी इन्हें, लेबर भी मिल जाती थी जितनी इनको चाहिए है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बोथ द लोकल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड जमशेदजी वेंचर इन ऑब्टेनिंग लैंड विद द प्रॉमिस ऑफ अ गारंटी मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। इसके अलावा लोकल मालूम है आप लोगों को, जो स्थानीय सरकार थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने दोनों ने ही इनको क्या किया था, जमशेदजी को सपोर्ट किया था ना, सहयोग दिया था, और ये उनको जमीन भी दी थी, और इसके अलावा ये भी प्रॉमिस किया था कि आपका जो भी प्रोडक्ट्स बनाओगे आप, उसे आराम से क्या हो जाएगा, उसकी गारंटी वो लोग देने को तैयार थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इज अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वेयर स्टील प्रोडक्ट्स हैव अ हाई डिमांड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी टूल्स